हे गेमर्स, मैं हूँ आपका वही दोस्त व्यस्त। सब मेरे को प्यार से आकाश से नहीं बुलाते, लेकिन आप लोग मुझे प्यार से कुछ भी बुला सकते हो। तो दोस्तों, स्पाइडरमैन का हर कोई फैन है और डेफिनेटली आप लोग भी मेरी तरह स्पाइडरमैन की नई मूवी का इंतजार कर रहे होंगे। और जिसको स्पाइडरमैन के बारे में मालूम है उसको वेनम के बारे में पक्का पता होगा। और अब तक वेनम की नई मूवी भी आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बात पे एक वीडियो बनाई जाए, जिसे मैं आपको कुछ ऐसे एंड्रॉइड गेम्स के बारे में बताऊं जिनमें आप लोग एज अ वेनम खेल सकते हो। तो गाइस, मैंने काफी गेम ट्राई करे जो वेनम के ऊपर है, लेकिन मुझे सिर्फ 5 ही गेम पसंद है जो कि मुझे लगता है कि खेलने के लायक है। वरना इन 5 गेम की जगह मैं आपको 10 गेम भी बता देता, लेकिन मुझे मालूम है कि वो आपको पसंद नहीं आने वाले। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गेम पसंद आए या ना आए, लेकिन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना। और साथ ही में अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं आप जैसे गेम लवर्स के लिए ऐसे टॉप एंड्रॉइड गेम की वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलो फिर इंट्रो के बाद स्टार्ट करते हैं। तो खेलने के लिए मैंने फर्स्ट नंबर पे जिस गेम को रखा है, इसका नाम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। और इस वाले गेम का साइज आप लोगों को 1.5 GB के आसपास मिलेगा। वैसे तो ये स्पाइडरमैन का गेम है, लेकिन इस गेम में आपको ब्लैक स्पाइडरमैन की स्किन मिल जाएगी। तो उसको अगर आप लोग अनलॉक कर लोगे तो आपको खेलते हुए ऐसी फीलिंग आएगी कि आप लोग एज अ वेनम बन के खेल रहे हो। बाकी और वैसे भी गेम बहुत ही अच्छा, और शायद आप लोगों ने गेम खेल भी रखा होगा, तो मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन गलती से अगर आप लोग इस वाले गेम के बारे में आज से पहले नहीं मालूम था, तो जबरदस्त गेम को आप लोग जरूर ट्राई करो। वैसे तो गेम अब प्ले स्टोर पे नहीं, लेकिन आप लोग किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा। साथ ही मैंने स्पाइडरमैन के टॉप एंड्रॉइड गेम के पलक से यूट्यूब बनाई हुई है, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पाई बटन भी आपको मिल जाएगा। तो अब आप जिस गेम का गेम प्ले देख रहे हो, इसका नाम है मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन, और साइज गेम का लगभग 1.2 GB के आसपास है। तो दोस्तों, फाइटिंग गेम है जिसमें आपको स्टोरी मोड भी देखने को मिल जाता है, साथ ही में मल्टीप्लेयर मोड भी है। हालांकि गाइस, ये भी वेनम का ऑफिशियल गेम नहीं है, लेकिन गेम में आपको वेनम जरूर मिलेगा, लेकिन उसको आपको अनलॉक करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे ये वाला गेम भी काफी अच्छा है, सुपर हीरोज को लेकर फाइटिंग गेम बनाया हुआ है, जो कि काफी पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी आप लोग कुछ लोग गेम को खेलते हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को सुपर हीरो को मिलाकर अपनी टीम बनानी होती है, जिसको आप लोग अपग्रेड भी कर सकते हो। और अभी तो यार गेम में इवेंट भी आया हुआ है, तो अगर आप लोग गेम को अभी डाउन करके खेलोगे ना, तो आप लोग फिर में वेनम को अनलॉक कर सकते हो। तो यार ये भी बहुत ही सही बात है, ओवरऑल एक अच्छा फाइटिंग गेम है जिसमें वेनम है, तो इसे भी आप लोग खेल सकते हो। हमारे अगले वाले गेम का नाम है डार्क वेनम, और साइज गेम का सिर्फ 70 MB का है। तो गाइस, वेनम का मुझे फैन मेड गेम लग रहा है, जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, लेकिन गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, मैंने भी ऐसे ही ढूंढा है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक वेनम दिखाया हुआ है, जो कि एनिमी से फाइट कर रहा है और बस उनको मारे जा रहा है। वैसे तो यार ये भी ठीक ठाक गेम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि थोड़ी देर खेलने के बाद गेम बोरिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको गेम पसंद आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के फाइटिंग गेम आप लोगों को प्ले स्टोर पे और भी मिल जाएंगे। और यार मैंने तो आपको फाइटिंग गेम बता रखे, तो आप लोगों ने पहले खेल भी रखे होंगे। ओवरऑल ये भी एक ठीक ठाक गेम है, तो ट्राई कर सकते हो। आगे की तरफ बढ़ते हुए, अब मैं आपको जिस गेम के बारे में बता रहा हूँ, ये वाला गेम भी सिर्फ टैप टैप पे अवेलेबल है। अब इसके पीछे रीजन क्या, अभी बता रहा हूँ, रुको। लेकिन उससे पहले गेम का नाम है मार्वल सुपर हीरो, और साइज गेम का लगभग 1.2 GB के आसपास है। तो मेरे दोस्तों, ये नेटिस का गेम है, तो शायद ये वाला गेम कभी इंडिया में लॉन्च होगा ही नहीं, क्योंकि नेटिस चाइनीज कंपनी है, तो वो इंडिया में कम ही गेम लॉन्च करती है। तो इसी गेम को आप लोग देख लो, इस वाले गेम को लॉन्च हो 1 साल होने को है, तब तक लॉन्च होना होता तो हो जाता। खैर, गेम के बारे में बताऊं तो 5v5 टीम बैटल गेम है, लाइक अभी जो पोकेमॉन यूनाइट गेम आया है ना, बिल्कुल वैसे ही गेम है। यहाँ पर आप लोगों को मार्वल के सारे सुपर हीरो देखने को मिल जाएंगे, उनमें से एक वेनम भी है। तो बस इसलिए मैं गेम के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। यह वाला गेम आपको बहुत ही पसंद आया, क्योंकि यार दूसरे सुपर हीरो फाइटिंग करने बहुत ही मजा आता है, और किसी भी सुपर हीरो को आप लोग देख लेना, इतने जबरदस्त फाइटिंग अटैक है उसके, यार किसी को भी उनको यूज करने में मजा आ जाए। जैसे कि मैंने आप लोग को गेम के बारे में इसलिए बताया क्योंकि यार वेनम है गेम में, बाकी यार गेम वैसे ही बहुत अच्छा, तो आप लोग खेल सकते हो। हमारे आज के आखिरी वाले गेम का नाम है ब्लैक स्पाइडर सुपर हीरो, और साइज लगभग 100 MB के आसपास है। तो गेम बस टाइम पास करने वाला गेम है ये। यहाँ पर एक वेनम की तरह दिखने वाला कैरेक्टर दिखा हुआ है, जो कि एनिमीज को मार रहा है। गेम में छोटे छोटे मिशन है जिनको आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। बाकी गेम में एड काफी सारी आती है, तो सही रहेगा अगर आप लोग गेम को इंटरनेट ऑफ करके खेलो तो। बाकी लो एंड डिवाइस के लिए वाला गेम सही है, वरना मेरे हिसाब से गेम खेलने लायक नहीं है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 गेम जो कि मुझे लगता है कि आप लोग खेल सकते हो, अगर आप अपने मोबाइल में वेनम का कोई गेम ट्राई करना चाहते हो तो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, साथ ही में अगर आप एंड्रॉइड गेम भी खेलते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं हर 2-3 दिन में टॉप 10 एंड्रॉइड गेम की वीडियो लाता रहता हूं। तो चलो फिर मैं चलता हूं, अब मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।